हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बॉडी डिटेन की वीडियो। डिटेन हम लोग अपने बॉडी पे कैसे यूज करते हैं, आइए सीखते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है डिटेन का क्लींजर, इनकॉस की ये क्लींजर है। आप कोई सा भी क्लींजर यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन डिटेन ही होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपने हैंड के अकॉर्डिंग क्लींजर यूज कर रही हूँ और इसमें ऐड कर रही हूँ टोनर। ये भी इनकॉस की ही टोनर है। ये हम लोग की क्लींजर बन गई है और अब मैं इसे अप्लाई करूँगी। जहाँ जहाँ भी हमको यूज करना है या अपने बॉडी को क्लीन करना है, उसको अच्छे से पानी से क्लीन करने के बाद आप इसको एक सार करके लगा लेंगे। मैं इसको पूरे अच्छे तरीके से अप्लाई कर ले रही हूँ और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। आप चाहे तो हाथ से भी लगा सकते हैं। अपने फिंगर को भी नहीं छोड़ेंगे, अच्छे तरीके से फिंगर पे भी हम लोग अप्लाई कर लेंगे। आप इसको पीठ पे, पैर पे, फुल बॉडी पे आप इसको यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा है। मेरा यहाँ पे 5 मिनट कंप्लीट हो गया था। अब मैं इसको क्लीन करूँगी। आप प्रोसेस देख सकते हैं किस तरह से मैंने यहाँ पे किया है। हल्के हल्के पानी का यूज करेंगे और हल्के हल्के हाथों से हम लोग क्लीन करेंगे हैंड को। 5 मिनट लगा के छोड़ना है हम लोग को और 5 मिनट तक हम लोग को क्लीन करते रहना है। हल्के हल्के हाथों से हम लोग अच्छे से क्लीन करते हुए चलेंगे। केहूनी के पास भी हम लोग करेंगे, वहाँ पे हम लोग की बहुत ज़्यादा ही टैन रहती है फिंगर के पास। हल्के हल्के पानी का हेल्प लेके हम लोग हैंड को क्लीन करते हुए चलेंगे हल्के हल्के हाथों से। 5 मिनट जब हम लोग अपने बॉडी पे डिटेन को रखते हैं तो बहुत ही अच्छा काम करता है। आप चाहे तो वहाँ पे डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर ले रही हूँ। इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे स्क्रब यूज करूँगी, वो भी डिटेन की ही। यहाँ पे मैंने लिलियम की स्क्रब यूज की है डिटेन की। इसको भी हम लोग 2 से 3 मिनट के लिए बॉडी पे छोड़ देंगे, उसके बाद हम लोग स्क्रब करेंगे। 3 मिनट बॉडी पे स्क्रब रखने के बाद आप 4 से 5 मिनट स्क्रब हम लोग बॉडी पे करेंगे और इसके साथ आप इसमें ऐड कर सकते हैं बॉडी स्क्रब, किसी भी ब्रांड का हो। बॉडी स्क्रब बहुत ही अच्छा काम करता है, डिटेन तो करता ही है अच्छा काम और साथ ही बॉडी स्क्रब भी बहुत अच्छा काम करता है। मैंने हल्का सा गुनगुना पानी यहाँ पे यूज किया है और ये इनकॉस की कॉफ़ी स्क्रब है, ये बहुत ही अच्छा काम करती है बॉडी स्क्रब। और इसको हम लोग अच्छे तरीके से स्क्रब पूरे बॉडी पे करेंगे। 4 से 5 मिनट हम लोग स्क्रब करेंगे। मैं इसके बाद ब्लीच भी ऐड करूँगी इसमें। 3 मिनट बॉडी पे स्क्रब छोड़ने के बाद हम लोग 4 से 5 मिनट स्क्रब हम लोग बॉडी पे करेंगे। मैं इसके बाद यहाँ पे ब्लीच ऐड करूँगी। अगर आप ब्लीच नहीं करेंगे तो आप स्क्रब का टाइमिंग बढ़ा देंगे। मैं यहाँ पे ब्लीच भी करूँगी, इसलिए 4 से 5 मिनट मैंने यहाँ पे स्क्रब किया है। और इसमें भी आप हल्के गुनगुने पानी का यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए आपके पानी। जहाँ जहाँ भी टैन है वहाँ पे हल्के हल्के हाथों से रब करते हुए चलेंगे फिंगर के पास। आप अच्छी तरीके से रब करते हुए चलेंगे। अगर आप ब्लीच नहीं करते हैं तो आप इसको वीकली यूज कर सकते हैं, सप्ताह में एक बार आप इसको यूज कीजिए। ये बहुत ही अच्छे से टैन रिमूव कर देगी
और अगर आप ब्लीच यूज करते हैं तो आप इसको महीने में एक बार कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से टैन को ये रिमूव कर देगी। हम लोग यहाँ पे बॉडी स्क्रब जरूर यूज करेंगे, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और फिंगर पे अच्छे से रब करेंगे केहूनी के पास, जहाँ जहाँ भी टैन होगा हम रब करते हुए चलेंगे, और लास्ट में हम लोग स्टेप को बंद करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमारी स्क्रब लगभग ख़त्म हो गई है, इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। इसको अच्छे से हम लोग अब क्लीन कर लेंगे। इसको क्लीन करने के बाद हम लोग टॉवेल स्टीम देंगे, अगर ब्लीच नहीं करना हो तब। अगर ब्लीच करेंगे तो टॉवेल स्टीम नहीं देंगे, आप फर्क देखिए। अभी अब मैं यहाँ पे नेचर्स की गोल्ड ब्लीच ले रही हूँ, ये D10 ही है, D10 की तरह ये काम करती है। आप अपने बॉडी के अनुसार यहाँ पे क्रीम ले लेंगे, मैं यहाँ पे एक ही हाथ पे बता रही हूँ इसलिए एक ही हाथ के अकॉर्डिंग क्रीम ले रही हूँ। और हम लोग जब फेस में ब्लीच करते हैं तो हम लोग 4 से 5 चुटकी यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग को डबल यूज करना है, मतलब अगर 4 चुटकी वहाँ यूज करते हो तो यहाँ 8 चुटकी। मैं यहाँ पे 10 चुटकी लूँगी। और इसको अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे और इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी तब तक। 1 मिनट छोड़ने के बाद फिर इसको हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम लोग की सेट हो गई है और ब्लीच को हम लोग बॉडी पे अप्लाई कर देंगे। ब्रश की हेल्प से बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, क्रीम हो, क्लींजर हो, स्क्रब हो, बिल्कुल एक सार होके ये अच्छे से अप्लाई हो जाता है। और ब्लीच को हम लोग बॉडी पे पूरे 15 मिनट के लिए रखेंगे। हम लोग ध्यान रखेंगे इस बात का कि कहीं भी कोई घाव हो या कटा हुआ हो या किसी भी तरह का एलर्जी हो तो उस जगह पे हम लोग ब्लीच यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे इनके हैंड में थोड़ा सा कटा हुआ था तो मैंने उस जगह पे ब्लीच अप्लाई नहीं किया है। हम लोग नेल पे भी ब्लीच को अप्लाई कर लेंगे। जिस जगह पे भी कोई एलर्जी हो उस जगह को हम लोग खाली छोड़ देंगे। ब्लीच ऑप्शनल है, अगर आपको मन है तो आप कीजिए, नहीं मन है फिर आप नहीं कीजिए। जैसे अभी ब्राइडल का सीजन है तो इस टाइम ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप थोड़ा सा इससे ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आता है तो आप ब्लीच कर सकते हैं। यहाँ पे 15 मिनट कंप्लीट हो गई है, मैंने ब्लीच को रिमूव कर लिया है स्पेचुला की हेल्प से। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ग्लो आ गई है हैंड में। अगर आप महीने में एक बार करते हैं तो आप इस प्रोसेस के साथ चल सकते हैं, अगर आप वीकली यूज करें तो फिर आप D10 के साथ ही काम करेंगे, ब्लीच उसमें स्किप कर देंगे। इसको अच्छे से हम लोग प्लेन वाटर से क्लीन कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे यूज करूँगी पैक, D10 पैक ही यहाँ पे हम लोग को यूज करना है। अच्छे से बॉडी को क्लीन करने के बाद हम लोग इसको ड्राई कर लेंगे और इसके ऊपर यूज करेंगे D10 पैक। यहाँ पे लिलियम की ये D10 पैक है। और इसको भी हम लोग ब्रश के हेल्प से एकसार करके अप्लाई कर लेंगे। अगर आप ब्लीच को स्किप करते हैं तो फिर हम लोग की आती है
फर्स्ट डिटेन क्लींजर, सेकेंड डिटेन स्क्रब और बॉडी स्क्रब, थर्ड डिटेन पैक। आप उसको वीकली यूज कीजिए। अगर आप उसमें ब्लीच ऐड करते हैं तो फिर आप इसको महीने में एक बार यूज कीजिए। पैक को हम लोग पूरे बॉडी पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए हम लोग पैक को लगा के छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हम लोग इसको प्लेन वाटर से क्लीन कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग की पैक कंप्लीट हो गई है, 10 मिनट हो गए हैं। मैं इसको हल्के हल्के हाथ से रब करने के बाद इसको अच्छे से प्लेन वाटर से क्लीन कर दूंगी। यहाँ पे हैंड को क्लीन करने के बाद आप देखिए, अब आप यहाँ पे कोई भी बॉडी लोशन, किसी भी ब्रांड का आप यहाँ पे बॉडी लोशन यूज कर सकते हैं। आप फर्क देखिए दोनों हैंड में। यहाँ पे एम कैफे का ये बॉडी लोशन है। इसको अच्छी तरीके से हम लोग 2 मिनट के लिए अच्छे से मसाज दे देंगे बॉडी पे। आप इस तरीके से आप अपने फिंगर की हेल्प से मसाज दे देंगे। आप तरीका देख सकते हैं। मैं फिर कभी आप लोगों को फुल बॉडी पे भी कभी बताऊंगी। मैं अभी कंफर्टेबल नहीं थी इसलिए मैंने सिर्फ एक ही हैंड पे करके बताया है। इस तरह से हम लोग प्रेशर पॉइंट को दबाते हुए चलेंगे। 4 से 5 बार इस तरीके से हम लोग को प्रेशर पॉइंट दबाना है और ये हम लोग की कंप्लीट हो गई है मसाज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आप फर्क देखिए कितना अच्छा ये काम करती है। आप देख सकते हैं एक ही बार में ये बहुत ही अच्छा काम की है।